नमस्कार, आप देख रहे हैं तबंदे भारत का खास कार्यक्रम मेरा भारत सोन चिरैया। सोन चिरैया में हम आपको लेकर चलेंगे धार्मिक यात्रा की ओर और कराएंगे दर्शन आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का। तो आज ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम बात सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर गुजरात का सोमनाथ। शिव पुराण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी के सभी ज्योतिर्लिंगों में से एक बताया गया है। ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसे लगभग 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन फिर भी आज तक ये सकुशल बरकरार है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर देवों के देव भगवान शिव शंकर को समर्पित है। ये गुजरात के बेरावल बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर प्रभास पाटन में स्थित है। शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव के द्वारा स्थापित करने की वजह से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के शिखर पर रखे हुए कलश का वजन करीब 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची और 1 फीट परिधि की है। मंदिर के चारों ओर विशाल आंगन है। मंदिर का प्रवेश द्वार कलात्मक है। मंदिर 3 भागों में विभाजित किया गया है, नाट्य मंडप, जगमोहन और गर्भगृह। मंदिर के बाहर वल्लभ भाई पटेल, रानी अहिल्याबाई आदि की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। वहीं समुद्र किनारे स्थित यह मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव ने यहां राजा दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की थी। बता दें कि सोम चंद्रमा का ही नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इसी के चलते ही इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है जो बहुत प्राचीन है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दीर्घ दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यर्थ अबाधति ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस काल में भी लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया? लोगों की बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है, ये अब तक रहस्य की बात है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताता है कि समय समय पर मंदिर पर कई आक्रमण हुए और तोड़फोड़ की गई। मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए, हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन मंदिर पर किसी भी कालखंड का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भी शिवलिंग मौजूद था। ऋग्वेद में भी इसकी महत्व का बखान किया गया था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।